वैसे तुम चाहो तो जाके सबको बता सकती हो, सारी प्रॉपर्टीज मैंने अपने नाम कर ली। आखिर किसके नाम है सारी प्रॉपर्टी? क्या सच में बदल गई है सरताज की नीयत, या फिर इसके पीछे है सरताज का कोई मकसद? कलर्स टीवी शो डारिया के अपकमिंग एपिसोड में हम सभी देखेंगे, एकम अपने घर वालों के साथ अपने घर को छोड़कर नेहमत के घर पर चला जाता है, लेकिन नेहमत सरताज के साथ रहती है क्योंकि नेहमत को सच जानना है। नेहमत को जानना है कि जो कुछ भी सरताज कर रहा है उसके पीछे क्या रीजन है। नेहमत और सरताज के कॉन्वर्सेशन को देख कर ऐसा लग रहा है जैसे नेहमत सरताज के प्लान में शामिल नहीं है और उसे नहीं पता है कि सरताज क्या और क्यों कर रहा है। इसी बीच नेहमत को प्रॉपर्टी के पेपर्स मिले। पेपर्स को देखने के बाद नेहमत शॉक्ड है, वहाँ पर सरताज आया। सरताज प्रॉपर्टी के पेपर को ले लेता है, प्रॉपर्टी के पेपर को बंद करता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि जाकर सबको बता दो कि मैंने सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम कर लिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में प्रॉपर्टी सरताज के नाम पर है, और अगर नहीं तो किसके नाम पर है, और सरताज जो कुछ भी कर रहा है वो क्यों कर रहा है। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर? आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइए, और साथ ही टेलीविजन से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।